लेक्चर का लास्ट पार्ट है सैंपलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, चीज होती है सैंपलिंग टेक्निक। देखिए, एक फर्ज कीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और एक बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, बड़ी पॉपुलेशन। अब बड़ी पॉपुलेशन में आपने हमेशा कोई ना कोई सैंपल लेना होता है और उस सैंपल के ऊपर आप अपनी रिसर्च परफॉर्म करते हैं। पॉपुलेशन क्योंकि बहुत बड़ी होती है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपकी एक्सेस का मसला है। सबसे बड़ी बात यह होती है एक्सेस का। मैं इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए आप किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपने देखा है कि नॉर्थ वेस्ट जो कॉलेज है, नॉर्थ वेस्ट नर्सिंग कॉलेज, लेट सपोज उसमें 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब 1000 स्टूडेंट्स, पता नहीं कौन कहाँ से, किस जगह से बिलोंग करता है, कौन किस जगह से आता है, हर बच्चे को आप एक्सेस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है ना, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो आप करते क्या हो, आप एक तरीका अपनाते हो कि आप एक सैंपल बना लेते हो। वो ऐसे कि फर्ज कीजिए 8 सेमेस्टर्स है ना, तो 8 सेमेस्टर्स में से आप ऐसे करते हैं कि सेमेस्टर 1 से 10 बच्चे उठा लिए, सेमेस्टर 2 से 10 बच्चे, सेमेस्टर 3 से 10 बच्चे, इस तरह 4, 5, 6, 7, 8 हर सेमेस्टर में से 10-10 बच्चे उठा लिए, तो इस तरह आपके टोटल 80 स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो एक तो हर सेमेस्टर कवर हो गया, हर सेमेस्टर से आप 10-10 बच्चे भी आ गए, तो एक कॉलेज की पॉपुलेशन उन्हीं 8 सेमेस्टर पे बेस्ड है। तो आपने एक बड़ी पॉपुलेशन से 80 बच्चों का सैंपल बना लिया, तो 1000 में से इन 80 स्टूडेंट्स को आप स्टडी करें, जिनको स्टडी करना आसान है। तो इसलिए पूरी पॉपुलेशन को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप छोटा सा सैंपल बनाते हो और फिर आप उस सैंपल पे अपनी रिसर्च परफॉर्म करते हो। हमने ये देखना है कि आप इस बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा सैंपल कैसे लेते हैं, क्या मेथड फॉलो करेंगे, 1000 लोगों में से 80 लोगों कैसे सिलेक्ट करोगे, उसके लिए कोई मेथड होना चाहिए। तो दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में ये कंसेप्ट समझा देता हूँ कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर हम इस स्लाइड पे आते हैं। जैसे मैंने बात की कि नॉर्थ वेस्ट में फर्ज कीजिए 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स। अब दो तरह के से सैंपलिंग कर सकता हूँ, एक हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। तो डिफरेंस ये होता है कि प्रोबेबिलिटी में एवरी स्टूडेंट हैज इक्वल राइट टू बी सिलेक्टेड। अब ये मैं कैसे कर सकता हूं, इसके एक तरीका ये होता है कि मैं इन 1000 बच्चों की लिस्ट निकलवा लूं। ठीक है, हर स्टूडेंट, हर सेमेस्टर की जो स्टूडेंट लिस्ट होती है, उन तमाम बच्चों की लिस्ट निकाल लूं, एक से लेके 1000 तक लिस्ट निकाली मैंने। अब मैं क्या करूं, बस रैंडमली इन तमाम में से मैं डायरेक्टली 80 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लूं। याद रखिए, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मैं इसमें से किसी को जानता हूं, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई रेफरेंस है, डायरेक्टली इस 1000 की लिस्ट में से मैंने 80 बच्चों को निकाल दिया रैंडमली। ये 80 बच्चे कोई भी हो सकते हैं, एक से लेके 1000 तक हर बच्चा इसमें शामिल हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो यानी हर बच्चे को इक्वल राइट है। मैं ऐसा करता हूं कि एक बाउल लेता हूं, इस तरह एक बाउल लिया, उसमें ये 1000 नाम मैंने डाल दिए, पर्चियां करके 1000 नाम डाल दिए, इस बाउल में से मैंने 80 नाम उठा लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब ये हुआ कि ये इन लोगों की किस्मत पर डिपेंड करता है। ठीक है, हर बच्चे को इक्वल राइट मिल गया, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वेयर एवरी चाइल्ड हैज इक्वल राइट। ठीक है, ये 1000 बच्चे कोई भी हो गए, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब मैं मिसाल देता हूं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि मेरे पास 1000 बच्चों की लिस्ट है, ठीक है, और इन 1000 बच्चों में से मैंने 80 बच्चे सिलेक्ट करने, ये वहां से 1 से लेके 1000 तक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से पहले तो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उन फ्रेंड्स को तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया कि तुम लोग तो आओ ना, तो एक तो मैंने फ्रेंड्स बीच में डाल दिए, फर्ज कीजिए 20 तो मेरे दोस्त निकल आए। उसके बाद मैंने कहा इन फ्रेंड्स से तुम्हारे भी कोई दोस्त वगैरह हैं तो बता दो, तो इन 20 लोगों ने मजीद अपना एक एक दोस्त निकलवा लिया, 20 वो हो गए, तो पहले 20 ये आ गए और 20 वो आ गए। फिर मजीद मैंने देखा कि और कोई भी अगर इसमें है, ठीक है, उनको भी ले आओ।
कुछ मैंने रैंडमली उठा लिए और कुछ मैंने इस तरह दोस्त वगैरह के उठा लिए, फिर कुछ मैंने देखा कि नहीं कुछ फीमेल्स भी होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया कि 20 फीमेल्स को ले लिया, ठीक है, तो 20 ये हो गए, 20 ये हो गए, 20 ये हो गए। फिर मैंने कहा कि देखो सैम्पलिंग करें उन लोगों को लेके जो ज्यादा लायक होते हैं स्टडी वाले, तो 20 मैंने बिल्कुल ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स उठा लिए। अब 1,000 लोगों में से जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ए ग्रेड नहीं होगा, तो यहां तो मैंने उनको पहले निकाल लिया, यानी वो उनको मैंने कंसिडर ही नहीं किया। दूसरी चीज, 20 तो मैंने फ्रेंड्स कर लिए बीच में, अब इन 20 लोगों की जगह पे और भी तो लोग आ सकते थे लेकिन उनको मैंने चांस नहीं दिया तो वो भी निकल गए। फिर 20 मैंने सिर्फ फीमेल्स ले ली बीच में, यार इनकी जगह पे और भी तो लोग आ सकते थे लेकिन मैंने कोटा कर दिया कि नहीं 20% तो सिर्फ खवातीन होनी चाहिए, तो वो बीच में आ गई। तो मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी मर्जी को देखा, मैंने अपनी आसानी को देखा, जो मेरे लिए कन्वीनियंट है, ये लफ्ज याद रखिए, कन्वीनियंट आसानी, जिस तरह मेरे लिए आसानी है मैंने उसके मुताबिक सिलेक्ट किया अपने दोस्तों को। फिर इन दोस्तों को कहा कि अपने दोस्तों को ले आओ ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, वो दोस्त अपने दोस्तों को ले आए। अच्छा, बीच में मैंने कोटा भी डाल दिया कि 20 कोटा खवातीन का है, तो कोटा भी डाल दिया बीच में, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई और क्राइटेरिया भी लगा दिया कि ए ग्रेड वालों को भी ले आओ। तो ये क्या मैंने सबको इक्वल चांस दिया? द आंसर इज नो। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स नॉन रैंडम, मैंने रैंडम काम किए नहीं, मैंने तो सारा अपनी मर्जियां बीच में लगा दी, अपने दोस्तों को लगा दिया। अब ये भी सैम्पलिंग का तरीका है, ये कोई गलत तरीका नहीं है, ये सैम्पलिंग करने का तरीका है और ये भी सैम्पलिंग करने का तरीका है, लेकिन फर्क ये है कि ये जो सैम्पलिंग तरीका है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें पूरी पॉपुलेशन आ गई है, जबकि ये जो तरीका है, ये वाला तरीका, ये कन्वीनियंस को देखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये वाला तरीका अपनाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि ये आसान है, इसमें खर्चा कम आता है, कन्वीनियंस होती है, दोस्तों वगैरह का डाटा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सिर्फ छोटी सी कि क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो ये लेस जनरलाइजेबल है, जबकि ये पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकता है। याद रखिए तरीके दोनों ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है। सो लेट्स कम टू द डिटेल्स के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तमाम को इक्वल राइट देना, उसमें रैंडम आती है, रैंडमली कोई भी आ सकता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो डज नॉट रिलाई ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, यानी जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें रैंडमनेस नहीं आती। व्हाई डू वी यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी करते क्यों है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट अ पर्टिकुलर ट्रेट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हमें यह पता है कि एक पॉपुलेशन हमें हमारे पास है, उस पॉपुलेशन में एक ट्रेट हमने सिलेक्ट करना है। इट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन द रिसर्चर एम्स टू डू अ क्वालिटेटिव पायलट और एक्सप्लोरेटरी स्टडी। एक क्वालिटेटिव रिसर्च करता है, क्वालिटेटिव में आपको पता है सैंपल साइज कम होता है, तो सैंपल वो कोई भी उठा ले, एक्सप्लोर कर रहा है कोई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है या पायलट स्टडी कर रहे हैं, छोटे सैंपल साइज की स्टडी कर रहे हैं, तो बस वो कुछ लोगों को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। और तीसरी बात, जब लिमिटेड बजट हो, टाइम हो, वर्क फोर्स हो, देखें रिसर्च एक महंगा काम है, इसमें बड़ा खर्चा आता है, तो जब अपने दोस्तों को और उनके दोस्तों को ले आओगे तो जाहिर सी बात है आपका खर्चा तो फिर उतना नहीं होगा ना, आपको इंसेंटिव कम देना पड़ेगा, और आपके दोस्त खुद मजीद दोस्तों को ला रहे हैं तो आप खुद उनके पीछे जा नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है आपकी फ्यूल वगैरह, आपका टाइम बच रहा है। हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्यों करते हैं? अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक एक्सपेंसिव तरीका है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, तो ये करते क्यों है? द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज बेस्ट, देखें बेस्ट है व्हेन द गोल ऑफ रिसर्च इज टू स्टडी पर्टिकुलर सब ग्रुप विद इन ग्रेटर पॉपुलेशन। एक बड़ी पॉपुलेशन में से कोई एक ग्रुप स्टडी कर रहे हो, बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, क्वांटिटेटिव, उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन मोर प्रिसाइस स्टैटिस्टिकल आउटकम्स देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होती है? इट्स रिजल्ट इन मोर प्रिसाइस, ज्यादा प्रिसाइस आंसर्स मिलते हैं आपको। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। इट इज अ सैंपलिंग टेक्निक वेयर द सैंपल्स आर गैदर्ड इन अ प्रोसेस। एक सैंपल को आपने रखा है,
इट डज नॉट गिव ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस। आपको पता है नॉन प्रोबेबिलिटी में सबको इक्वल चांस नहीं मिलता, वो आप देखते हो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, जो आपको आसान लगे वो उठा लिया। इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन इज आइदर अननोन और इट इज नॉट स्पेसिफिक। दोज टाइप्स ऑफ सैंपलिंग कैन बी यूज्ड व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट अ पर्टिकुलर ट्रेट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। देर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी है कि आप खुद से किसी पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करते हो किस बुनियाद पे, पहली बुनियाद है कन्वीनियंस, आपकी आसानी कि आप कितनी सैंपल्स को आसानी से कलेक्ट करते हो। फिर एक कोटा, आपने कोटा कर लिया कि 50% मर्द 50% खवातीन, डिवाइड के कोटा कर दिया। जजमेंटल सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग, आपके एक खास किस्म का पर्पस है जिसके लिए सैंपल उठाते हो, तो जो आपके पर्पस पे फिट आता है बस आप वो उठा रहे हो। स्नोबॉल सैंपलिंग, जब आपके आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और वो लोग मजीद अपने दोस्तों को ले आए, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग है। इसकी डिटेल में हम जाते हैं थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे। कन्वीनियंट सैंपलिंग क्या है? मोस्ट कॉमन सैंपलिंग टेक्निक है। मैंने कहा ना, ज्यादातर लोग नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं क्योंकि वो आसान है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, आपके लिए आसानी होती है। कन्वीनियंट सैंपलिंग, द सैंपल आर सिलेक्टेड बिकॉज दे आर एक्सेसिबल। सबसे बड़ी चीज है वो एक्सेसिबल है, आप फोन कॉल करके बुला लो, इतनी एक्सेसिबल है। सब्जेक्ट्स आर चूजन सिंपली बिकॉज दे आर इजी टू रिक्रूट, आपकी आसानी है, आसानी से लोगों को बुला सकते हो। इट इज कंसिडर्ड इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, और फिर होती है पर्पसिव सैंपलिंग, जजमेंटल भी कहते हैं इसको। इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग सब्जेक्ट्स आर चूजन टू बी द पार्ट ऑफ सैंपल विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, एक खास पर्पस होता है माइंड में, ठीक है। पर्पस यह है कि आपने टॉप लेवल के स्टूडेंट्स देखने हैं, तो आप हमेशा ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स देखते हो। विद जजमेंटल सैंपलिंग द रिसर्चर बिलीव्स दैट सम सब्जेक्ट्स आर फिट फॉर द रिसर्च। टॉप ग्रेड वाले आपकी रिसर्च के लिए फिट होंगे, लो ग्रेड वाले फिट नहीं होंगे, तो आपने लो ग्रेड वालों को कंसिडर तक नहीं किया। दिस इज द रीजन वी कॉल इट पर्पसिव सैंपलिंग। फिर होती है कोटा सैंपलिंग, जैसे कोटा होता है कि मेल के लिए 70%, फीमेल के लिए 30%, या आप थोड़ी डिफरेंट है, 70% खवातीन को ले रहे हो, सिर्फ 30% मेल को ले रहे हो, तो ये कोटा कर रहे हो आप। टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वेयरिंग द रिसर्चर एंश्योर इक्वल और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन विच ट्रेट इज कंसिडर्ड। आप 50-50 भी कर सकते हो, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लो। स्नोबॉल सैंपलिंग, ये बड़ी मजे की सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि आपके पास बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, कहीं पे आप कुछ खास चीजें देख रहे हो जो स्मॉल पॉपुलेशन साइज की हैं, तो आप क्या करते हो कि जो आप स्मॉल सैंपल सिलेक्ट करते हो ना, उन्हीं लोगों से फिर मजीद और लोग सिलेक्ट करवा देते हो। ये आपको ज्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल में। अब मैं थोड़ा अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग को। ये देखें, आप यहाँ पे रिसर्चर हो, सबसे आसान लोग आपके नजदीक ये वाले हैं, तो आपने बस इन लोगों को डायरेक्टली सिलेक्ट किया, पीछे इन लोगों के आप नहीं गए, क्योंकि इनके पीछे जाओगे तो टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, पेट्रोल भी लगेगा, तो बस आपकी आसानी में ये लोग थे, आपने डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया। दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, आपके लिए अवेलेबल हैं ये लोग, आप आसानी से इनको रिक्रूट कर सकते हो। फिर पर्पसिव सैंपलिंग, अब यहाँ पे जैसे कि ये एक पॉपुलेशन है, आपका पर्पस ये है कि जो लोग जो है एक खास किस्म का ग्रुप, फर्ज कीजिए ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये सी ग्रेड वाले हैं, ये जो येलो है बी ग्रेड वाले हैं, और जो रेड है वो ए ग्रेड वाले हैं, तो आपने कहा कि यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो सब लाइक लाइक लड़कों को लेता हूँ, तो आपने बस क्या किया, आपका पर्पस सिर्फ हार्ड वर्किंग लोग थे, तो आपने बस ये सक्सेसफुल लोगों को बीच में ले लिया और इनका सैंपल बना दिया, तो ये क्या है, पर्पसिव सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग, अब इस बात को समझिए, स्नोबॉल सैंपलिंग तब होती है जब आपके पास डेटा बहुत रेयर हो, बहुत रेयर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्च करते हो एड्स के पेशेंट के ऊपर, एड्स, क्या आपको हर दूसरे दिन एड्स का पेशेंट मिलता है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, एड्स के पेशेंट होते बड़े कम हैं, और आम लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन एड्स का पेशेंट है, आपको भी नहीं पता। फर्ज कीजिए कि आप ये हैं और आपको इन लोगों का पता है, इनका डाटा मिला कि ये एड्स वाले हैं, तो इनसे रब्ता करने के बाद आपने इनको कहा कि मजीद जो एड्स वाले पेशेंट्स हैं उनको भी बता दो, उनको भी ले आओ, तो इसका ताल्लुक था इसके साथ, एड्स वाले आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इसका ताल्लुक था इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये अपने दोस्तों को भी ले आए। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, जो आपके पास ड्रग एब्यूजर्स हैं, नशा जो करते हैं,
अब आपको नहीं पता कि कौन ड्रग अब्यूजर है, लेकिन एक नशेई को पता होता है कि बाकी नशेई कहाँ हैं। तो क्या होता है कि आपने जो आपको एक्सेसिबल थे, आपने उन नशेइयों से बात कर ली, उनको कहा कि मजीद ड्रग अब्यूजर्स को लेके आओ ताकि उन पे रिसर्च की जाए। तो ये क्या है, आप कुछ लोगों को कहते हो और फिर बाकी वो अपने रेफरेंस पे लोगों को ले आता है। तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग होती है। इसकी एक और मिसाल भी है प्रोस्टिट्यूशन की, कि आप के पास डेटा आ गया कुछ प्रोस्टिट्यूट्स का, आपने उनके साथ कांटेक्ट किया कि आप उन पे रिसर्च करते हो, उनको पता होता है कि मजीद प्रोस्टिट्यूट्स कहाँ हैं, तो वो आपको मजीद जो है उन लोगों तक ले आते हैं। अच्छा, ये प्रोस्टिट्यूशन की जो एग्जांपल है ये रिसर्च में इस्तेमाल होती है, इस पर आप माइंड ना करें, ये रिसर्च में प्रोस्टिट्यूशन इसी तरह की जाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू, इनके ऊपर जब रिसर्च की जाती है। ठीक है, सो दैट इज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग या चेन सैम्पलिंग कहते हैं। फिर कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। अच्छा, कोटा सैम्पलिंग मैंने सिंपल बता दिया, जैसे कि 50% मेल हो गए, 50% फीमेल कोटा है, 70% व्हाइट, 30% ब्लैक कोटा है, 50-50 फीमेल मेल, ये कोटा, इसको कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आप इस कोटा में से अपने अपने लोग सिलेक्ट कर लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो ज्यादा थोड़ा हार्ड वर्क जिसमें चाहिए, जिसमें खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन बेस्ट मेथड्स हैं, ये एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अ लार्जर पॉपुलेशन आर चूजन यूजिंग अ मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है, एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट। ठीक है, हर किसी को इक्वल चांस मिलता है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें फिर एग्जांपल टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर, ये चार चीजें हैं जिनको एक एक को डिस्कस करते हैं। सिंपल रैंडम मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि आपने एक लिस्ट बना दी, लिस्ट में तमाम पॉपुलेशन के लोगों के नाम लिखे और रैंडमली आपने क्या लॉटरी निकाल दी कि बस जिस जिसका नाम आ गया उन सबको सिलेक्ट कर लो। ये सिंपल रैंडम है, किसी का भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आ गया, दैट इज सिंपल रैंडम, एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को ये देखें, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें से कोई भी बंदा आ गया, चाहे ये बंदा आ गया, ये आ गया, ये आ गई, ये आ गई, ये बंदा, देखो जवान जवान भी है, बूढ़े भी हैं, तमाम को इक्वल राइट मिला और तमाम में से एक अच्छा सा सैंपल बन गया। अब ये आपके पास सैंपल एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, खवातीनों को भी, मर्दों को भी, कालों को भी, गोरों को भी। ये देखें, ये एक और एग्जाम्पल है कि इसमें से आपने सिंपल रैंडम कर दी और ये आपके पास आ गया, तो रेड भी आ गए, येलो भी आ गए, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, तमाम पॉपुलेशन से एक अच्छा सैंपल बन गया। एक होती है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, आपके पास लिस्ट आ गई और आपने इस तरह से 1, 2, 3 करके सब पॉपुलेशन के नाम लिख डाले। फिर आपने ये किया कि एवरी सेकंड पर्सन, हर दूसरे नंबर का बंदा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह, या पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, ग्यारहवां, ऐसे, या हर तीसरा बंदा कर लो, तीसरा, छठा, नौवां, बारहवां, पंद्रहवां, इस तरह सिस्टमेटिक एक सिस्टम बना लो, हर पहला, हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा, या हर चौथा, या हर दसवां बंदा। इससे क्या होगा कि एक तो अब तीसरे बंदे पे कोई भी आ सकता है, दसवां कोई भी हो सकता है, बीसवां कोई भी हो सकता है, तो इसमें भी तमाम पॉपुलेशन को इक्वल राइट मिल जाता है। बस एक सिस्टम आ जाता है कि आपने सैम्पलिंग की एक सिस्टम के थ्रू कि भाई हर तीसरा बंदा आ जाओ, अब वो कोई भी हो सकता है, हर बंदे को इक्वल राइट है, कोई भी तीसरा नंबर पे आ सकता है। तो ये देखें, ये उसकी एग्जांपल है कि कोई भी इसमें से आ सकता है और वो सिलेक्ट हो सकता है। अगर आप ये देखिए, मतलब ये डिफरेंट प्रोफेशन से लोग बिलोंग करते हैं और कोई भी आ सकता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा स्ट्रेटिफाइड का मतलब है ग्रुप्स बना देना। फर्ज कीजिए कि एक लार्जर पॉपुलेशन है, लार्जर, जैसे नॉर्थ वेस्ट की पॉपुलेशन, फर्ज कीजिए लार्जर पॉपुलेशन है, तो आपने क्या किया, आपने ग्रुप्स बना दिए, कैसे, कॉमन फैक्टर, जेंडर, सेक्स की बेस पे, एज की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे फैक्टर बना सकते हो कि यार स्वात वाले सारे एक साइड पे, दीर वाले सारे एक साइड पे, कोहाट वाले एक जगह हो जाए, अब जो शांगला वाले एक जगह हो जाए, बुनेर वाले एक जगह हो जाए, इस तरह। तो फिर आपने क्या किया, ग्रुप्स बना लिए, उसके बाद हर ग्रुप में से रैंडम सैंपलिंग कर ली। इस बात को याद रखिए, पहले ग्रुप्स बनाए, दैट इज स्ट्रेटिफाइड, ग्रुप्स बनाने का मतलब स्ट्रेटिफाइड, फिर हर ग्रुप में से रैंडम रैंडम बंदे उठा लिए, मींस स्ट्रेटिफाइड करके रैंडम सैंपलिंग की। इससे क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट में जहां जहां जिन जिन इलाकों से लोग पढ़ते हैं
उन तमाम इलाकों के लोगों को आपने सिलेक्ट किया है रैंडम करके, पहले ग्रुप्स बनाए फिर रैंडम सैंपलिंग कर दी। ये भी एक एग्जांपल है कि ये आपके पास डाटा है पॉपुलेशन, तो आपने पहले ग्रुप्स बनाए, स्क्वायर एक जगह, ये सर्कल एक जगह, ट्राइंगल एक जगह, फिर हर किसी में से रैंडमली उठा लिए। फिर आते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्लस्टर सैंपलिंग हमेशा जियोग्राफिकली इस्तेमाल होता है, इलाकों की बेस पे जो लोग डिवाइडेड हैं क्लस्टर सैंपलिंग, जिसकी मिसाल है केपीके की। आप फर्स्ट कीजिए केपीके से आप लोगों को उठाते हो, 100 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, केपीके की पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, करोड़ों की है, उसमें से आपको 100 लोग चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने सिटीज के बेस पर लोगों को डिवाइड किया, स्वात वाले अलग, दीर वाले अलग, कोहाट वाले अलग, इस तरह आपने एक बड़ी पॉपुलेशन से, यानी जब भी बड़ी पॉपुलेशन हो जियोग्राफिकली कोई स्टडी की जाए तो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग की जाती है। जैसे कि ये बड़े बड़े क्लस्टर्स बन गए, तो इस बड़े बड़े क्लस्टर में से आपने सैंपल कर ली और कोई भी क्लस्टर इसमें से सिलेक्ट कर लिया। आखिर में चीज आती है ट्राइंगुलेशंस। देखिए जैसे आपने देखा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, एक बेहतरीन रिसर्च ये होती है ना, बेहतरीन डाटा कैसा कलेक्टेड है, रिसर्च डिपेंड करती है डाटा पे। अगर आपने रिसर्च का सबसे मुश्किल काम डाटा कलेक्शन है, रिसर्च तो बाकी लैपटॉप पे बैठ के होती है ना, सबसे जो मुश्किल काम है रिसर्च का, जिसमें बाहर निकलना पड़ता है, जिसमें आपका बहुत खर्चा आता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो डाटा कलेक्शन है। तो डाटा कलेक्शन पे सारी मेहनत लगती है, और ये डाटा आपका ठीक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो बेहतरीन तरीका होता है डाटा कलेक्ट करना क्या, उसको डिफरेंट मेथड से कलेक्ट किया जाए। रिसर्चर्स माइट आल्सो चूज ट्रायंगुलेशन टू कंफर्म द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस। एनी सिंगल क्वालिटेटिव रिसर्च हैज इट्स लिमिटेशंस। अगर आप एक मेथड पे जाओगे ना, तो एक मेथड के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। हर एक मेथड में कुछ ना कुछ फायदे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप मल्टीपल मेथड्स को एक जगह रखो, मल्टीपल मेथड से डाटा कलेक्ट करो। बाय कंबाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज रिसर्चर कंफर्म फाइंडिंग्स ओवरकमिंग द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, मुख्तलिफ मेथड्स एक साथ होते हैं और मुख्तलिफ मेथड से डाटा कलेक्ट होता है, ताकि हर तरीके से आपको मुख्तलिफ डाटा मिल सके। अनकवरिंग द सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। इंटरव्यू करके भी डाटा कलेक्ट किया, फिर ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने मुख्तलिफ मेथड से और डाटा कलेक्ट किया, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने डाटा आता है, जो लिमिटेशंस होती हैं खत्म हो जाती हैं। देर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। अच्छा फोर बेसिक हैं, थ्री बेसिक हैं, डेटा ट्रायंगुलेशन, रिसर्चर ट्रायंगुलेशन, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। डाटा का मतलब आप टाइम, स्पेस और पर्सन, मुख्तलिफ तरीकों से डाटा कलेक्ट करो, मुख्तलिफ टाइम में कलेक्ट करो। रिसर्चर ट्रायंगुलेशन का मतलब कि एक बंदे पे ना रखो, एक रिसर्च में मुख्तलिफ तरह के रिसर्चर्स को शामिल करो। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे साथ दो तीन लोग और आ जाएं जो मेरे साथ डाटा कलेक्ट करें, तो डिफरेंट लोगों का डाटा आएगा, तो हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डाटा देख सकते हैं। मेथड्स क्या हैं, हम डाटा कलेक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक दोस्त मेरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, दूसरा दोस्त मेरा जो है वो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है पार्टिसिपेंट, चौथा दोस्त नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस कर रहा है, तो मुख्तलिफ तरीके से डाटा कलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल डाटा सोर्सेज इस्तेमाल करें, मल्टीपल मेथड्स इस्तेमाल करें, और ज्यादा ऑब्जर्वर्स हों, ज्यादा मल्टीपल रिसर्चर्स होंगे, तो आपके पास लिमिटेशंस कम हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स कम होंगी, और डाटा एक बेस्ट डाटा निकल के आएगा। सो दैट वॉज द लेक्चर।